हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फोर क्लास 8 सोशल साइंस की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 8 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हुए व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, रिबेलियन स्प्रेड, यानी जो 1857 था वो एक ऐसा, आप कह सकते हो एक ऐसी लहर थी जब लोगों के अंदर गुस्सा, रोष, वो एक तरह से चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अब लोग जो है अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और एक बगावत की प्लानिंग की गई, और वो प्लानिंग थी 1857 का रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट वैसे तो अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन हम उसको पूर्ण रूप से अनसक्सेसफुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक ऐसा रिवोल्ट था, एक ऐसी सिचुएशन जो है क्रिएट हुई थी जब आप कह सकते हो कि एक बड़ा रिवोल्ट जो होता है उसका सीड जो है वो यहाँ से बोया गया था। क्लियर? यानी लोगों में जो चिंगारी थी अपने देश को आज़ाद कराने की, वो चिंगारी, उसको हवा देने का काम 1857 के रिवोल्ट ने किया था। सो हुआ क्या था, जो 1857 का रिवोल्ट है उसको प्लान्ड वे में किया गया था, लेकिन एक्चुअली एक जगह पर ये जो है रिवोल्ट, ये एक जगह एक साथ एक समय पर शुरू नहीं हुआ, अलग अलग टाइम पर शुरू होने के कारण अंग्रेजों ने इसको जो है क्या किया था, दबा दिया गया था। वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। सो हुआ क्या था, नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर कानपुर गैदर्ड आर्म फोर्सेस एंड एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। नाना साहेब जो कि लेट पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, वो कानपुर के जो है, कानपुर में उन्होंने जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको गैदर किया, ठीक है, कानपुर के नज़दीक रहते थे वो, और उन्होंने शहर से जो भी ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे उनको वहाँ से खदेड़ दिया। इन लखनऊ ब्रिजिस कदर द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह वर प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब, ठीक है। तो लखनऊ में ब्रिजिस जो है कदर को, उनको जो है क्या किया गया, नवाब घोषित कर दिया गया, और उनकी मदर जो थी बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उनकी मदर जो थी बेगम हजरत महल, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट जो भी रिवोल्ट था उसमें बढ़ चढ़कर जो है पार्ट लिया। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिबेल सिपॉय एंड फाउट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या टोपे द जनरल ऑफ नाना साहेब। रानी लक्ष्मीबाई ने जो सिपाही थे उनको जो है, जो विद्रोह कर रहे थे उनको ज्वाइन कर लिया और ब्रिटिश के साथ लड़ी, ठीक है, तात्या टोपे के साथ जो कि जनरल थे नाना साहिब के। इन द मिडल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेस्ड एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट। मंडला रीजन में मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों को इकट्ठा किया और उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया। बख्त खान ए सोल्जर फ्रॉम बरेली टुक चार्ज ऑफ ए लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली, ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन। बख्त खान जो कि बरेली के जो है सोल्जर से, उन्होंने जो फोर्स था फाइटर्स की जो दिल्ली से आए थे उनका चार्ज ले लिया, एंड ही बिकम की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन, और वो जो है एक तरह से जो सेना थी उसके रिबेलियन के, उनकी सेना के लीडर बन गई। इन बिहार एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह, कुंवर सिंह जो कि एक जो है पुराने जमींदार थे बिहार में, उन्होंने जो सिपाही थे उनको ज्वाइन कर लिया, रिबेल सिपाही थे, एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स, और कई सालों तक उन्होंने उनके साथ लड़ाई की। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट, और इस तरह लीडर्स जो है और फाइटर्स उन सब ने जो है मिलकर ये जो क्या किया, एक तरह से ब्रिटिश के खिलाफ जो है उन्होंने आंदोलन किए। नाउ आप देखिए, जो भी जो रिवोल्ट थी, अलग अलग कोने में ये जो है विद्रोह हुआ, रिबेल हुआ, लेकिन अलग अलग समय के होने के कारण अंग्रेजों को उसको दबाने का समय जो है वो मिल गया। अब कंपनी जो थी वो कमज़ोर नहीं पड़ी और उन्होंने एक्शन भी जो है बहुत जल्दी लिया, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने इंग्लैंड से और जो है अपने सिपाही वो मंगवा लिए।
अनवर्ड बाय द स्केल ऑफ द अपील द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। अपनी पूरी शक्ति के साथ उन्होंने इस रिबेल को दबाने की कोशिश की। इट ब्रॉट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से जो है और सैनिक मंगवा लिए गए। पास्ड न्यू लॉज सो दैट द रिबेल कुड बी कन्वर्टेड विद ईज। उन्होंने जो रूल्स थे पहले उनमें चेंज कर दिया ताकि जो विद्रोही हैं उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए और बाकी लोगों में डर पैदा किया जाए। एंड देन मूव इनटू द स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। और उन्होंने बहुत ही जल्दी जो स्ट्रॉन्ग सेंटर जहाँ जो सेंटर पॉइंट थे 1857 के रिवोल्ट के, उनको जो है एक तरह से पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेज इन सेप्टेम्बर 1857। दिल्ली को उन्होंने सेप्टेम्बर 1857 में रिकैप्चर कर लिया। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, उनको जो है एक तरह से फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी पूरी उम्र कैद की सजा उनको दे दी गई थी और बाद में जो है उनकी डेथ हो गई। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। रंगून की जेल में उनकी जो वाइफ थी बेगम जीनत महल, उनके साथ उनको जो है जेल में रखा गया और अक्टूबर 1815 जो है में और बाद में 1862 में वह जो है उनकी डेथ हो गई। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ के ऊपर 1858 में कब्जा कर लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड, रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया गया एंड किल्ड इन जून 1858 में रानी को मार दिया गया। अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई, इसी तरह रानी अवंतीबाई को भी जो है मार दिया गया। तात्या टोपे एस्केप टू द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया, तात्या टोपे वो सेंट्रल इंडिया के जो जंगल थे उनमें भाग गए एंड कंटिन्यू टू फाइट गोरिल्ला वार। ठीक है, और उन्होंने गोरिल्ला वार जो है वो करते रहे, यानी गोरिल्ला वार होता है ना छापा मार, छिप छिप के जो है वो जो है एक तरह से अटैक करते थे। विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल एंड पीजेंट लीडर, और जो किसान थे आदिवासी थे उनकी हेल्प से उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। ही वॉज कैप्चर्ड एंड ट्राई एंड किल्ड इन अप्रैल 1859, और 1859 में वो मार दिए गए। ठीक है, पकड़ लिए गए थे और उनको मार दिया गया। द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेज इंक्रीज डिजर्शन, द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राई देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल एंड दे अनाउंस रिवार्ड फॉर इट। अब देखिए, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने लोगों में अपनी लॉयल्टी एक तरह से पाने के लिए उनको जो है इनाम देने शुरू कर दिए। बड़े बड़े जमींदार जो थे उनको उन्होंने अपने झांसे में लिया ताकि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो उनको जो है एक तरह से खबर मिल जाए और लोग जो है उनके प्रति वफादार रहें, इसके लिए उन्होंने उनको बड़े बड़े इनाम देना शुरू कर दिया। तो जो भी आप कह सकते हो ना कि बाय हुक एंड बाय क्रुक, किसी भी तरह से जो कंपनी है वो लोगों को एक तरह से अपनी तरफ लेकर आ रही थी, जो रियासतें थी उनको अपने में मिला रही थी। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से तीन जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिस्ट द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड देयर लीडर्स। आपको इम्पोर्टेंट सेंटर लिखने हैं, ठीक है, रिवोल्ट के 1857 रिवोल्ट के और उनके लीडर्स के नाम लिखने हैं। सो आंसर लगेगा लेट पेशवा बाजीराव फ्रॉम कानपुर, लखनऊ हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी, कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार, रानी अवंतीबाई लोधी फ्रॉम राजगढ़। तो ये जो है आंसर में आप लिख देंगे मेन जो सेंटर थे और उनके लीडर्स जो थे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857। ब्रिटिश ने जो 1857 का रिवोल्ट था उसको कैसे सप्रेस किया। सो टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश मेड न्यू लॉज एंड मोर ट्रूप्स वर ब्रॉट फ्रॉम इंग्लैंड। उन्होंने न्यू लॉज बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को उन्होंने इंग्लैंड से बुलवा लिया। एंड द सेंटर्स ऑफ द रिबेलियन वर रेडिड, और जहाँ पर भी जो सेंटर थे रिबेलियन के विद्रोहियों के उनको एक तरह से रेड किया और उनको सप्रेस कर दिया। एंड दिल्ली रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857, और 1857 में जो दिल्ली थी उसको रिकैप्चर कर लिया गया। एंड ऑल द मेन लीडर्स सेंटेंस टू डेथ बाय न्यू रूल्स, और जो भी मेन लीडर्स थे उन सबको न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग उनको मौत दे दी गई। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच चेंजेस वर ब्रॉट बाय ब्रिटिश इन द रूल आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के बाद कौन से चेंजेस जो है वो ब्रिटिश अपने जो रूल्स हैं उनमें लेकर आए, यानी क्या चेंज हुआ 1857 के बाद। सो आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858
ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन, यानी जो पावर थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके पास पावर थी, वो पावर आप जो है वो कहाँ चली गई, ब्रिटेन का जो राजा या रानी थी उनके पास सारी की सारी पावर चली गई, यानी वो अब इंडिया को गवर्न करेंगे वहाँ पर बैठकर। नाउ पावर टू गवर्न इंडिया वॉज वेस्टेड इन द क्राउन, ठीक है, अब पूरी पावर किसके पास थी, क्राउन यानी राजा के पास थी, थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और एक जो है सेक्रेटरीज चुने गए थे क्लियर स्टेट वाइज, और वो सारे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जो है जवाब दे थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था 1857 के बाद जो कि किया गया था। आप स्टूडेंट्स, आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर करनी है, आपकी जो हिंदी की वर्कशीट है उसमें मैप दिया गया है कि जो इम्पोर्टेंट सेंटर थे 1857 के वो आपको मैप पर शो करने हैं, लेकिन इंग्लिश की वर्कशीट में ये नहीं दिया गया, लेकिन आपको ये जो है एक्टिविटी करनी है क्योंकि काफ़ी आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेटिव है, इम्पोर्टेंट है। इसमें आप क्या करोगे, स्टेंसिल से एक मैप बना लीजिए, या आप एक मैप लेकर आ सकते हैं या हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें जो मेन सेंटर थे वो आप मार्क कर लेंगे, जैसे दिल्ली है, मेरठ है, ग्वालियर था, ठीक है, और उसके बाद लखनऊ है क्लियर, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, उसके बाद देखिए बनारस, पटना, तो ये जो है कुछ मेन सेंटर थे, सतारा, ये मेन सेंटर थे जो 1857 के रिवोल्ट के, क्लियर है। तो ये सारे जो है आपको जो अपनी कॉपी है उसमें ये सारे के सारे सेंटर आपको शो करने हैं। सो ये थी आपकी आज की SST की वर्कशीट, आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, टेक केयर।